सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई पूरी प्लानिंग के साथ जांच कर रही है और मुंबई पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है। बता दें, हाल ही में खबर आई थी कि सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस के स्टेशन पहुंची है और पुलिस से सारे जरूरी दस्तावेज और रिपोर्ट्स कलेक्ट करेगी। सीबीआई की मुंबई पुलिस में हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पर खबर है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। बता दें, मुंबई पुलिस ने अब तक सुशांत केस में कुल 56 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं पर सीबीआई को सौंपे गए दस्तावेजों में सुशांत केस के आरोपियों के बयानों के अलावा सुशांत की फोरेंसिक रिपोर्ट, घटना की पंचनामा रिपोर्ट, ऑटोपसी रिपोर्ट, सुशांत के 3 मोबाइल, लैपटॉप, फांसी का फंदा, सुशांत के शव पर मौजूद कपड़े, मोबाइल की DVR एनालिसिस, बांद्रा पुलिस की केस डायरी, सुशांत के बेड पर रखे कंबल, बेडशीट, जूस कप, प्लेट, CCTV DVR और कैमरा स्पॉट की फोरेंसिक रिपोर्ट, 13 से जून की बिल्डिंग की CCTV फुटेज इत्यादि शामिल है। वहीं पर इसके अलावा सुशांत की पर्सनल डायरी भी सीबीआई को सौंप दी गई है। अब इन्हीं सब के आधार पर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। सीबीआई के SIT की टीम अपनी जांच शुरू कर दी है। बता दें, सीबीआई ने टीम को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है जो कि अलग अलग जगहों की जांच कर रही है। इसके अलावा सीबीआई ने 5 टीम इस केस में बनाई है। पहली टीम पैसों के लेन देन की जांच करेगी, दूसरी मुंबई पुलिस के साथ बातचीत करेगी, तीसरी टीम सुशांत के घर जाएगी, चौथी टीम विभिन्न स्थानों पर जांच करने जाएगी और पांचवी टीम गवाहों के बयान दर्ज करेगी। वहीं पर सबसे बड़ा शक ये होता है कि 14 जून को कैमरे किसने बंद किए, जब कैमरे खराब ही नहीं थे तो बंद किसने किए। सीबीआई अपना पूरा केस इसी के आधार पर जोड़ रही है। वो कैमरे की हर एक फुटेज निकालने की कोशिश कर रही है जिससे किसी पर शक बनाया जा सके। ऐसी खबरों से जुड़ रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।